नमस्कार, आप जुट चुके हैं स्पिरिट न्यूज़ के साथ और मैं हूँ वंदना हंस। अक्सर स्पिरिट न्यूज़ आम जनता की आवाज़ को बुलंद करता है, तो आज हम बातचीत करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं वाहिद खान जी, उनसे बातचीत करेंगे। कई मुद्दे लेकर आए हैं, तो चलिए बातचीत करते हैं इनसे, किस तरह के मुद्दे हैं और क्या कुछ ये बात करना चाहते हैं। सबसे पहले वाहिद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया वंदना जी। तो वंदना जी, मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूँ, जो सरकार ने हमारी स्कीम है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स, उसको एबलिश करने की एक कोशिश की गई है। तो ये मैं सरकार से पहले भी हम अपील कर रहे हैं, हमने मेमोरेंडम पेश किए हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज काउंसलिंग सेंटर्स में और डीसी साहब को, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है जी। तो जहाँ तक बात की जाए हमारे मसलों की, तो हमारे तो शुरू से ही, मतलब 2003 में ये स्कीम शुरू हुई थी, तब से ये चल रहा था हमारा, एक हमारे अगेंस्ट जो कॉन्स्पिरेसी है वो शुरू से ही है। किस तरह के मसले जो हैं हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, जो 2003 से शुरू हुए, जिन पर आप मेमोरेंडम भी देना चाहते हैं, किस तरह के मसले? देखिए, शुरू से ये जो स्कीम थी ये 20% थी, जो बढ़ा के अभी पीडीपी और बीजेपी की सरकार में 30% इसको कर दिया गया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो भी डेवलपमेंटल वर्क्स हैं उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का 30% हिस्सा रहेगा, और ये 30% में जैसे कोई 1 करोड़ के काम लग रहे हैं तो 30 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के होंगे, लेकिन आज तक वो कभी भी हमें नहीं मिला है। हमने बार बार ये कोशिश की है आवाज़ उठाने की, लेकिन हमारी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की गई है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट रहे हों, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी लेवल पर हो या हमारे डिपार्टमेंट्स रहे हों। आपने कहा हमारी आवाज़ को दबाने की बात की गई है, क्या आपने कभी एडमिनिस्ट्रेशन तक इस बात को पहुँचाया या कोई मेमोरेंडम दिया? वंदना जी, हमारे हर महीने एक मीटिंग होती है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होते हैं DDC, तो हर महीने की प्रोग्रेस रिपोर्ट, हमारी मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट जाती है, तो हमने हमेशा आवाज़ उठाने की कोशिश की है, लेकिन इसमें फेल हुए हैं, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन फेल हुई है, और अब लास्ट में जो है ना, अब ब्यूरोक्रेसी अपना दबदबा जो है वो हमें दिखाना चाहती है, वो इस लिहाज से। तो वाहिद जी, कहीं ना कहीं आपका कहना है कि जब सरकारें थी तब भी आपकी सुनवाई नहीं हुई, अब ब्यूरोक्रेसी है, अब जम्मू कश्मीर UT बन चुका है, तो अब भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? ये हमने सुना था कि जो गवर्नर रूल होता है वो सरकारों से कहीं बेहतर होता है, क्योंकि आज तक जो है ना, नेताओं ने जो बातें कही वो उस पर खरे कभी नहीं उतरे। हमने सुना था कि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन बेटर होती है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कहीं पे मिसकंडक्ट मिसकम्युनिकेशन हो रहा है। जहाँ पे देखिए, मैं इस पे आपको एक बात बताऊँ कि हमारी जो एडवाइज़र हैं फारूक अहमद खान, उनसे बात हुई जब, तो वो एम्प्लॉयमेंट के एडवाइज़र हैं, तो उनसे कंसल्ट ही नहीं किया गया, हम स्टेक होल्डर्स हैं, हमसे कोई इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई, ना ही हमें कोई आगाह किया गया इस बारे में। तो जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं सौरभ भगत जी एम्प्लॉयमेंट के, उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि ये डिस्कशन में ही नहीं आया है, जो हमारी लास्ट हुई थी कैबिनेट उसमें डिस्कस ही नहीं हुआ। मुझे अभी आप क्या कुछ अपील करते हैं सरकार से, अभी आप क्या कुछ उम्मीदें रखकर जो है मीडिया के माध्यम से बातचीत करेंगे? देखिए, बार बार हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पीसफुल प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं तो ये कहीं वायलेंट ना हो जाएं, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पे जल्द से जल्द या मंडे ट्यूसडे तक ऑर्डर इस पे निकाले, कुछ हमें क्लियर करे सरकार के भाई ये इसमें क्या हमने नया कुछ करना है। तो इस पर क्या मांग करते हैं सरकार से? हम मांग करते हैं कि हमारा कोटा अगर करना है तो 30% से 50% तक किया जाए, क्योंकि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 5 से 10 अनएम्प्लॉयड इंजीनियर हैं, और हमें आप वंदना जी आप यकीन नहीं करेंगे, यहाँ पे इतना कंपटीशन है, इसमें हमें अपना जो है ब्रेड बटर चलाना मुश्किल हो गया है, हमारे परिवार मुश्किल में आ गए हैं, और ये एक बड़ा दुख की बात है जी। आखिर में आप जनता को क्या कहना चाहेंगे? जनता को ये कहना चाहेंगे कि हमारी सपोर्ट करें, हम अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स हैं, हमारी जो है इसमें रोज़ी रोटी का एक मसला है, हम ये नहीं चाहते कि हम सड़कों पे अब आएँ, इस पेंडेमिक में हमारी जो है एक लाइफ जो है हमारी रिस्क में है, तो हम फिर भी ये अपील करना चाहते हैं गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से, और जो आम जनता है वो हमारी सपोर्ट करे इसमें जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे सेल्फ हेल्प ग्रुप के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट वाहिद खान, जिन्होंने वही मुद्दे लाए हैं जो आम जनता इस वक्त लेकर आ रही है कि हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है। पहले सरकारों की बात करें तो खाली दावे बांधती थी, अब अगर ब्यूरोक्रेसी की बात करें, जम्मू कश्मीर UT बन चुका है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूल में है, तो
वो भी इनकी सुनवाई जो है वो नहीं कर रहा है। तो अब कहीं ना कहीं ये गुहार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि जल्द से जल्द सरकार हमारी सुनवाई करे ताकि लोगों को लगे कि यहाँ पर कोई सुनने के लिए है। तो आप ऐसे ही अपडेट के लिए जुड़े रहें स्प्रिट न्यूज़ के साथ। वंदना हंस स्प्रिट न्यूज़। नमस्कार।